आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है, कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पा बिलाल साहब अभी बच्चे हैं, वो बहुत अकेले पड़ रहे हैं, आप उनका ख्याल रखा करें। छोटी बेगम साहिबा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे गई हैं आपको। हम सब मिलके बिलाल का ख्याल रख रहे हैं। ख्याल रखना अलग बात है, तवज्जो और मोहब्बत देना अलग बात। हसीना, तुमने जो किया बुरा किया, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ करूंगी तुम पछताओगी, बुरी तरह से कोसोगी उस लम्हे को जब तुमने अहमद को मुझसे छीना। साहब जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, उसने खुद मुझे गाली दी है, और अभी आपने ही तो कहा है बदल गया है वो। इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। साहब जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मामा, मैं जानता हूं कि आप मेरे इस फैसले से नाखुश हो, लेकिन बहुत मजबूरी है, मुझे ये फैसला लेना होगा। वो बिलाल जिसको लेके हम सब इतना टची थे कि वो कोई गलत हरकत कोई गलत वर्ड ना सीख ले, आज वो गालियां देने लगा। उसे मेरा भी कोई पास नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, बदतमीजी से बात करता है। कैसे दोस्त बना लिए, किस एनवायरनमेंट में उठता बैठता है, या शायद मेरा ही कसूर था जो मैं घर और बिजनेस में इतना उलझ गया कि अपने बेटे पे तवज्जो नहीं दे पाया। मामा, अब मुझे लगता है कि बोर्डिंग स्कूल में वो रहेगा तो इस एनवायरनमेंट से दूर के लिए बेहतर होगा। मामा, मामा आप मेरी बात समझे, ये जरूरी है बिलाल के लिए। मामा मामा प्लीज, मामा संभाले खुद। मामा, नर्स, मामा नर्स, जल्दी आ देखे मामा। पता नहीं, आप रिलैक्स करें। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज जल्दी कीजिए। क्या सोच रही हो? जब जब हसीना के बारे में सोचती हूँ उसके खिलाफ मेरे दिल में लावा बलने लगता है। मासूमा, लावा जब फटता है ना सब कुछ तहस नहस कर देता है।
वैसे कुछ सोचा तुमने? सोच तो तभी लिया जब तुमने मुझे फोन दिया था। अच्छा, तो हसीना को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाओ? अभी तो दुश्मनी का आगाज किया है, अंजाम तो दूर की बात है, लेकिन हाँ जो भी होगा बहुत बुरा अंजाम होगा उसका। वैसे तो मैं ये कॉन्फिडेंट देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। वैसे वी डोंट माइंड, तुम्हारे एतमाद की वजह जान सकता हूँ मैं? शन्नो भरोसे के काबिल है? जब दलदल में गिर जाओ ना तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। बिसात हसीना ने बिछाई, उसके मोहरों को पीटने की बारी मेरी है। शनो? जी सर। हसीना कहाँ? वो शनाज साहिबा के कमरे में। साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? अल्लाह माँ, क्या हो गया? बस सुन, तू बस इस भला को ना जल्द से जल्द बोर्डिंग भेजने की कर, और वो जो तेरी मालकिन पड़ी है ना उनके लिए जन्नत का टिकट कटा, बिला वजह मरी हुई जान पर इतने पैसे लगाए जा रहा है। बस तू फिक्र नहीं कर ज्यादा, मुझे पता है क्या करना है। वैसे भी वो मनहूस नर्स है ना, उसको मैंने बोला हुआ कि जल्द से जल्द इसको कटाएं यहाँ से, लेकिन ये अहमर घर से निकलता ही नहीं है कि वो बेचारी बाहर जाए इंतजाम करने। अम्मा अपने ये मशवरे ना तू अपने पास रखा कर, मुझे तेरे मशवरों की जरूरत नहीं है, समझी? बात सुन, मैं माँ हूं तेरी, कुछ तो लिहाज कर ले। माँ है ना तभी बर्दाश्त कर लेती, मैं कब का यहां से चलता करती तुझे। अच्छा तो इस घर का एक एक मुलाजिम मुझे बताएगा कि मेरा कौन सा फैसला सही और कौन सा नहीं? वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि बिलाल साहब इतने छोटे से हैं, वो अकेले कैसे रहेंगे? बिलाल मेरा बेटा है, उसके लिए क्या चीज ठीक है और क्या गलत ये फैसला मैं करूंगा, कोई और नहीं। और सुनो, तुमने मुझे मशवरा देने की गलती आज कर ली और मैंने सुन भी लिया है, इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने काम पर तवज्जो दो। अभी बोला है कि अपने मशवरे अपने पास रख, समझी? बार बार मशवरे देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कब कैसे क्या करना है। मैं तो मौके के इंतजार में, जल्द अज जल्द। हसीना? दादो आप एक बात और कहती थी, कुछ भी गलत हो जाए तो माफी मांग लो, सॉरी कह दो तो सब पहले जैसे हो जाता है। दादो अगर मैं बाबा को सॉरी कह दूं तो बाबा का गुस्सा खत्म हो जाएगा ना? बात सुन। हाँ। मुझे ना बाद में चलता करना, पहले ये सोच के तुझे करना क्या है। इस बिलाल के जाते ही ना तू पूरी कोशिश कर के अहमर से इस सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ले। अभी बोला है कि अपने मशवरे अपने पास रख, समझी? बार बार मशवरे देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कब कैसे क्या करना है। मैं तो मौके के इंतजार में,
जल्द अज जल्द। हसीना तुम्हें रूम में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो? जी। जाओ जाके बिलाल का सामान पैक करो, हम यहाँ भी निकल। जी जी मैं वेट कर रहा हूँ। मैं भी करती हूँ साहब जी। हे लामा, इसने सुन तो नहीं लिया सब कुछ? नहीं नहीं, अगर उसने सुन लिया होता ना तो अभी बहुत कुछ बोलता। तू जल्दी जाती, क्या कह रहा है, जल्दी जा। तेरे जाने की तैयारी कर रही। वैसे मान ना मान, तेरे बाप की हाँ या ना मेरी हाँ या ना में। नहीं, ये मेरी मम्मा का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो जाके ये बहस ना अपने बाप से कर, उस पे हुक्म चला, मुझ पे नहीं। और वैसे भी तू तो चला जाएगा बोर्डिंग। नहीं, तेरी दादी, दादी को मैं तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगी और फिर बचूंगी मैं। और इस पूरे ताजमहल पे सीना का राज होगा, समझा? मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकालूंगा, चलो। अल्लाह, पागल तो नहीं हो गया कहीं? छोटे साहब, अब मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? मैं तुम्हें अपने घर में रोकने नहीं दूंगा, आई कह रही हूँ, सब तुम्हारा कसूर है। बिलाली, क्या लिए गए? आपको लगी तो नहीं है गई? Okay, I'm fine. बहुत बदतमीज हो गए आप। क्लीन दिस। मोबाइल तो नहीं होगा, मुझ पर चिचक फेंकेगा अभी तू। उठा चल, उठा फटाफट। दादो, मैंने बाबा के साथ गलत किया, मैंने बाबा के साथ बदतमीजी की, बाबा को मेरे गुस्से की वजह से चोट लगी। दादो, आप सही कहती थी, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, और मेरे गुस्से की वजह से बाबा बहुत दुखी हैं। दादो, आप एक बात और कहती थी, कुछ भी गलत हो जाए तो माफी मांग लो, सॉरी कह दो तो सब पहले जैसा हो जाता है। दादो, अगर मैं बाबा को सॉरी कह दूं तो बाबा का गुस्सा खत्म हो जाएगा ना, तो बाबा मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे ना, बोले ना दादो, बोले। जी, आपको लगी तो नहीं साहब जी? बिलाल ने जो चोट लगाई वो तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने जो बदतमीजी की है वो चोट मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। आप दिल छोटा ना करें साहब जी, वो तो बच्चा है ना, बच्चे तो कर देते हैं गलती। बच्चे ऐसे नहीं होते, बच्चे मासूम होते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्यार की बात समझ लेते हैं। लेकिन बिलाल, उसके दिल में
पता नहीं कहां से मेरे लिए तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा हो गई। I'm sorry, बाबा। आपकी सॉरी से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। You will go to the boarding school. आप जा रहे हैं boarding school, okay? बाबा प्लीज, आपको छोड़ने नहीं जाना बाबा। बिलाल प्लीज जिद मत करें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। बाबा प्लीज, बाबा बाबा ऐसा नहीं करें ना बाबा। बिलाल प्लीज बस कर, अब आ जाएंगे। आप गंदे हैं बिलाल। अब तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं बेगम साहिबा, अल्लाह का शुक्र है। फराज साहब घर से बहुत दूर खड़े हुए थे, इसीलिए हमें किसी ने नहीं देखा। अच्छा मुझे ये बताओ, भाभी तो क्लिनिक से नहीं आई अभी तक? नहीं नहीं अभी नहीं आई। बेगम साहिबा मैं छोटे साहब की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया बिलाल को? बेगम साहिबा बड़े साहब छोटे साहब को बोर्डिंग में भेज रहे हैं। क्या, लेकिन क्यों? बेगम साहिबा वो बैठी है ना वहाँ नागिन, हर वक्त छोटे साहब को उकसाती है। पहले तो छोटे साहब गुस्सा करते थे, मगर अब बेगम साहिबा छोटे साहब गालियां देने लगे हैं। वो गुस्सा करने लगा है तो उसकी फीलिंग्स को समझने के बजाय उसे बोर्डिंग भेज रहे हैं। क्या हो गया है अहमर को? खुद को तो बड़ा समझदार समझते थे, तो फिर अब क्या हो गया उन्हें? उनकी समझ बूझ जिस पर उन्हें बड़ा नाज था, कहाँ गई अब वो सब? जिन चीजों पे इंसान को नाज होता है ना, वो बहुत जल्द छीन ली जाती है उससे। हाँ, जैसे तकदीर ने मेरे अमर और मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया है। इसे छीनना नहीं कहते मासूम, इसे आजमाइश कहते, क्योंकि छीनी हुई चीज इंसान को बहुत कम वापस मिलती है। फराज वो चीजें नहीं, तेरी जिंदगी थे। लेकिन क्या आप भी वो मेरी जिंदगी रहे? अपने दिल की धड़कनों में सुनो उसे, अपने आंसुओं से पूछो कि इसमें अहमर नहीं तो और कौन? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो जो मेरे बेटे के साथ कह रहे, क्या ये सब कुछ ठीक है? अभी जाकर उन्हें रोकूंगी। वो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बेटे को नहीं भेज सकते बोर्डिंग। मासूमा क्या हो गया है तुम्हें? जिस बातीपन में तुम अपनी समझदारी खो बैठो, और जिस तरह से हसीना ने ब्रेन वॉश करके अहमर को बिलाल के खिलाफ किया है ना, वो उसे तुम्हारे खिलाफ भी कर देगी। लिखवा लो मुझसे। तो फिर मैं क्या करूं? बस दूर से बुरा होते हुए देखती रहूं, कुछ नहीं कहूं? नहीं, तुम दूर बैठ के उसके साथ बुरा करो। गुस्से और जज्बात में तुम अपने प्लान को भूल बैठी हो, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पे अपने जज्बात पे काबू रखना है। तुम ठीक कह रहे हो फराज। शनो, तुम्हें जो मैंने काम कहा था वो तुमने किया? जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा हसीना तो अपनी माँ की बहुत बेइज्जती करती है, और आपको पता है उसकी अपने भाई के साथ भी नहीं बनती। उन तीनों की बननी भी नहीं चाहिए, तीनों में फूट डाल दो। इतनी नफरत पैदा कर दो मुराद और उसकी माँ के दिल में कि वो हसीना के खिलाफ और मेरे साथ हो जाए। ठीक है बेगम साहिबा, ऐसा ही होगा। शाबाश। Thank you.
दो, मैं जा रहा हूँ। बड़ा होके बाबा की तरह वापस आऊंगा। दादो मैं यहाँ पर कोई नहीं सुनता। दादो जो मेट कहती है बाबा वो ही करते हैं। दादो आप प्लीज उठ जाना, हम सब फिर एक साथ रहेंगे। बिलाल थोड़े दादो का हाथ, चलें हमें चलना है। दादो रोक ले। बिलाल जिद मत करें, हमें चलना है। दादो दादो बिलाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप मेट के हस्बैंड हैं, आप मेरे बाबा नहीं हैं। वैसे भी मेरे फ्रेंड सही कहते थे कि स्टेप मदर ऐसा ही करती हैं। व्हाट? आपको क्या लग रहा है कि आपको बोर्डिंग स्कूल इसलिए भेज रहे हैं? बिलाल खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। उसे शायद जाने का इतना दुख ना हो जितना दुख उसे अपने बाबा के फैसले पर होगा। उसके पास भी नहीं हो वो कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। बिलाल बेटा अभी तो मैं आपको बुरा लग रहा हूँ लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बिलाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप मेट के हस्बैंड हैं, आप मेरे डैड नहीं हैं। मेरे फ्रेंड सही कहते हैं इस टाइम मदर ऐसा ही करती हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपको इस वजह से बोर्डिंग स्कूल भेज रहा हूं? बिलाल आपको बोर्डिंग स्कूल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि आप मिसबिहेव करते हैं, आप बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। आप प्लीज समझे मेरी बात। बिलाल आप सुन रहे हैं मेरी? चाय। क्या हुआ? बिलाल खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। उसे शायद जाने का इतना दुख ना हो जितना दुख उसे अपने बाबा के फैसले पर होगा। उसके पास भी नहीं हो वो कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। राज कितना मुश्किल है ना, दूर रहकर अपने वकार और अपनों के लिए जंग लड़ना। मुश्किल तो है लेकिन मुझे पूरा यकीन कि तुम्हारे सब्र के बदले मेरा रब तुम्हारे नसीब में जीत लिखते।
क्या हुआ, क्या सोच रही हो? राज, मैं सोच रही हूँ कि हसीना का अगला टारगेट डेफिनेटली मामा होगी, क्योंकि वो उनका वजूद उस घर में हर किस बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है बिल्कुल, और काफी काफी फिक्र वाली बात है। मुझे तो शन्नू के मैसेज का इंतजार है, उससे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर उससे कोई गलती हो गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा खैर, इस वक्त तुम फिक्र मत करो, काम जाओ, ये लो चाय पियो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। चाय। थैंक यू। You're welcome. हसीना? जी साहब जी। ये लो। ये क्या साहब जी? ये घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे हैं। अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी, और अगर और पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जी जी, शुक्रिया साहब जी, बहुत शुक्रिया। वाह हसीना, चाबियां तेरे हाथ पे लगते, इतने सारे पैसे भी तुझे में, क्या तो तेरा नसीब। वाह अल्लाह सही, वाह सदके जाऊं आपके। अरे हसीना, इतने सारे पैसे कहाँ से है तेरे पास? लगा दी ना नजर, सम्मा अच्छी खासी बुढ़ी हो रही हो तुम, लेकिन जरा बराबर भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। किसी कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसे नहीं मुंह उठा के आ जाते। ना पूछ के क्यों आऊं, तो गैर है क्या? और वैसे मान ना मान, ये मेरी दुआओं का सिला है। क्या हो गया अम्मा, ये सारी मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी मेहनत को ना अपनी दुआओं का नाम नहीं दो, समझी? और आई क्यों थी तुम, ये बताओ जरा। वो बराबर वालों की मासी है ना, वो बता रही थी कि बहुत अच्छी सेल लगी है, मैं भी जाके 2-4 जोड़े ले आऊं अपने लिए। हाँ तो जाओ ना अम्मा, किसने रोका है तुमको? तू समझ नहीं रही हसीना, मुझे मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। बस इसी बात का इंतजार था मुझे, पता था तू जहाँ पैसे देखेगी तेरे मुंह से लाल टपकना शुरू हो जाएगी। कुछ तो लिहाज कर, ना कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? जिसने सुनना है ना, और जो कहना है वो कहता रहे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी हवेली मेरी है, मेरी मर्जी, मैं जो बोलूं जो सुनूं, समझी? और वैसे भी तुम्हें महीने की खर्ची मिलती तो है अम्मा, वो संभाल के रखा करो ना, उसी को खर्च किया करो। और अगर नहीं संभाले जा रहे तो गांव वापस चलती पन, वहां जाके दाल चावल खाओ। सीधर गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। चार पैसे के आ गए इस लड़की के तो दिमाग ही खराब हो गए। बात सुन, तू अगर मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई है ना तो फौरन वापस चली जा। अरे मासी क्या हो गया, बदगुमान क्यों हो रही है? मैं हसीना थोड़ी हूँ, मुझे तो बुजुर्गों की इज्जत करना आती है। यही तो ना, देख इतनी सी को पाल पोस के इतना बड़ा किया है और वो मुझे आंखें दिखाने लगी है। अब सच पूछो तो मासी, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं हसीना ना आपके ऊपर भी इल्जाम ना लगा दे। है तो बेटी मेरी लेकिन है बदजात, क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। अरे मजबूर क्यों होने लगी मासी, देख अपने आप को अकेला मत समझ, अब मैं हूं ना तेरे साथ, तू अपने सारे दुख सुख मुझसे कह सकती। मासी का है तुम्हें, अब तुम समझो या ना समझो। और हाँ, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो ना तो तुम मुझे कह देना, मुझसे जो भी कुछ हो सकेगा ना वो मैं तुम्हारे लिए करूंगी।
नहीं तो पता है सेल लगी हुई है, मैंने सोचा था मैं जाके अपने लिए दो चार जोड़े ले आऊं, वो तो मुझे बातें सुना के चली गई। कोई बात नहीं मासी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये ले मेरे पास ना ये थोड़े से पैसे हैं, ये लो अपने जाके कपड़े लेकर आओ। अरे तू तो बड़ी अच्छी है भाई, है तो तू मुझे इतने सारे पैसे दे रही है, सच में तुझे मेरी बेटी होना चाहिए था। ए, हसीना को तो देख कैसे उसकी नजरें फिरी हैं, कैसे उसने मुझे बातें सुनाई और चली गई। मैं अच्छे से जोड़े लेकर आऊं। हाँ। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बेगम साहबा, तीर निशाने पर पड़ा है, चिड़िया ने दाना चुग लिया तो समझो फंस भी जाएगी। खैर तो है माँ, आज इतना जल्दी फोन उठा लिया, लगता है बेटी से अनबन चल रही है तुम्हारी। ले ये क्या बात हुई ना, एक मेरी आंख वो है तो दूसरी आंख तू है। अरे बस कर माँ, ये पुरानी फिल्मों की माँ मत बन, जो तुम्हें ना जानता ना उसके सामने ये मोहब्बत के डोंग रचाना, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा अब जल्दी जल्दी बता क्या किया है तुम्हारी ये ताजा ताजा मीरजादी ने। अरे ना पूछ ना, उसने तो अपनी आंखें ना अपने मत्थे पे रख ली है, पाई पाई का हिसाब मांगती है मुझसे, और अगर कुछ मांगू ना तो ठेंगा दिखा देती है। अरे ये तो उसकी फितरत है माँ, तू उसे दफा कर। ये बता तेरे पास कुछ पैसे हैं, किसी का उधार वापस करना है। ले वो मेरे पास पैसे रहने ही कब देती है, और तुझे पता है छोटे साहब को ना बोर्डिंग भेज के बड़ी इतराई इतराई फिर रही है पूरे घर में। अरे रहने दे माँ, तू अपना दिल छोटा मत कर, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, बच्चा अभी घर से गया है, वापस तो घर ही आना है, और जब घर वापस आएगा ना तो ये सारी दौलत उसी की है। एक बार जवान होने दे उसे, सबसे पहले तुम दोनों को बाहर फेंकेगा वो। तो बात सुन, तूने मेरा खून जलाने के लिए फोन किया है? नहीं, पैसों के लिए फोन किया था, लेकिन माँ तू तो मेरी तरह कंगाल है। एक बात सुन ले, अपनी बेटी से बच के रहना, कहीं किसी का कत्ल तेरे सर पे ना डाल। हाँ सही तो कह रहा है मुराद, जैसे इसका खून सफेद हो गया है ना, ना कहीं ये बेगम साहिबा के कत्ल का इल्जाम मेरे सर ही ना लगा दे। देखा बेगम साहिबा, आज अपनी राह से मैंने एक और कांटा निकाल दिया। आपस की बात है, कबाब में हड्डी ना मुझे पसंद ही नहीं, सांप से उनकी औलाद दूर कर दी, सांप के पास क्या बच्चा। मैं सिर्फ और सिर्फ हसीना, ये बात तुम्हारी तो बेगम साहिबा तुम्हारी रवानगी भी ना बहुत जल्दी करानी है मैंने। वैसे भी मैं तो चाहती यही थी, इस घर पे, साहब की दौलत पे और साहब पे सिर्फ और सिर्फ हसीना का हक हो और वो मुझे मिल जाए। कब तक इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना है? समझो तुम्हारी बेगम साहिबा की आज आखिरी रात है, कल जुम्मे की नमाज के बाद नमाज़े जनाजा। Thank you.
पता किसको इसके अंजाम तक पहुंचाना है। समझो तुम्हारी बेगम साहिबा की आज आखिरी रात है, कल जुम्मे की नमाज के बाद नमाज़े जनाजा। फराज, फराज शन्नू ने अपना काम कर दिया। What? ये सब कमाल कर दिया भाई शन्नू ने तो। हाँ अब मेरी बारी है। चलो शुक्र है इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो? जरूरी काम से जाना है तो मैं आके बताती हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।